हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक और बड़ी अपडेट के बारे में हम बात करेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है उन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हरियाणा सीएचयू का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा, हरियाणा के NHM ऑफिस से ये नोटिस जो है वो रिलीज़ किया गया है आज की डेट में। डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2/5/2022। क्या इस नोटिस के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल सके। देखिए यहाँ पे पब्लिक नोटिस ये रिलीज़ किया गया है आज की डेट में 2/5/2022। क्या इस नोटिस में मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दिस इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द पब्लिक नोटिस फर्स्ट डेटेड 24/2/2022 थ्रू विच द रिजल्ट ऑफ OMAR बेस्ड रिजल्ट फॉर 7087 पोस्ट ऑफ MLHP कम CHO हेल्ड ऑन 24/4/2022 वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ NHM हरियाणा। जो आपका पब्लिक नोटिस फर्स्ट था, यानी कि जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जिन जिन लोगों ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की एग्जाम दी थी हरियाणा में, उन सभी का रिजल्ट वगैरह पहले ही डिक्लेयर हो ही चुका है। तो जो पब्लिक नोटिस फर्स्ट था उसमें आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जो आपका OMAR बेस्ड एग्जाम हुआ था उसका। ये जो पोस्ट निकल गई है हरियाणा में 787 पोस्ट, इनके लिए इनको अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किनका होगा, जिनका शॉर्ट जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, यानी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी अभी वो अभी तक जो है वेबसाइट पे अपलोड नहीं की गई है, लेकिन वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। जैसे ही वो अपलोड होती है हम आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से प्रोवाइड करवा देंगे। देखिए आगे देखिए, एज फॉर द एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक नोटिस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द सेम वॉज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 2/5/2022 ऑनवर्ड्स विच हैज़ बीन स्लाइटली डिलेड एंड फाइनल शेड्यूल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद प्रोविजनल मेरिट विल बी अपलोडेड सून ऑन द वेबसाइट ऑफ NHM हरियाणा। यानी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन डिले होने की वजह से जो प्रोविजनल लिस्ट आपकी डलने वाली थी वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिले होने की वजह से जो है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो आज स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन कल या परसों तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आगे देखिए, प्रोविजनली मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स ऑन द OMAR बेस्ड एग्जाम प्लस एडिशनल 5 मार्क्स कंसिडर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ 6 मंथ BPCCHN कोर्स फ्रॉम IGNOU यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन असाइंड बाय द स्टेट और MLHP कोर्सेज इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम ऑफ BSc नर्सिंग पास्ड आफ्टर एकेडमिक सेशन 2019 एज पर गोल MOHFW नोटिफिकेशंस। यानी कि जो आपकी प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो एक तो आपकी OMAR बेस्ड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो आपके नंबर होंगे उसके बेसिस पे होगी, साथ ही जिन्होंने BPCCHN का कोर्स कंप्लीट कर रखा है पहले से ही उनको 5 नंबर एडिशनल यानी एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जिन्होंने 2019 के सेशन के बाद में BSc नर्सिंग जिन्होंने भी की है 2019 के बाद यानी 2020-21 में, उनको भी यहाँ पे BPCCHN के यानी कि MLHP का जो कोर्स है उसको इंटीग्रेटेड यहाँ पे माना गया है। फिलहाल देखते हैं 2020 को इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते, लेकिन 2021 को तो इसमें इंक्लूड करेंगे ही करेंगे। आगे देखिए, 10 ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट पंचकुला एज पर द शेड्यूल टू बी अपलोडेड ऑन द NHM वेबसाइट। यानी जो NHM की वेबसाइट है, जो NHM हरियाणा है वहाँ की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे आपको इसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो अपलोड कर दी जाएगी कि कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस पंचकुला में होगी, तो हरियाणा के पंचकुला में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस जो है वो आपको कंप्लीट करवानी है। देखिए आगे क्या लिखा है इन्होंने, therefore candidates be suggested for the following। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सभी को सजेस्ट कर रहे हैं टू रेगुलर चेकअप द वेबसाइट ऑफ NHM हरियाणा फॉर अपडेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट ज्वाइनिंग। यानी जो भी अपडेट होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की या फिर ज्वाइनिंग की, तो उसके लिए आपको NHM हरियाणा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहना, उसको चेक करते रहना है, रेगुलरली आपको चेक करते रहना है। अगला देखिए, टू कीप द रेडी ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस supporting documents and claiming additional 5 marks on account for the said 6 month BPCCHN course or integrated MLHP course and supporting documents for claiming benefit of reservation in any category etc।
यानी जो भी आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार रखने हैं। इन्होंने क्या कहा है, टू कीप रेडी ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप तैयार रखिएगा। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी एक दो दिन में, तब आपको और बता देंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, जल्दी से जल्दी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है, जल्दी आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला इन्होंने, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, और अदर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जाति है, मूल है, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है अदर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखना है। साथ ही साथ जो आपने BPCCSN का कोर्स किया है उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई रिजर्वेशन लेना चाहता है तो कास्ट सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। तो साथ ही ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको तैयार करके रखने हैं, ऑल ओवर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो आप तैयार रखें, कभी भी जो है वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आगे देखिए, टू एंश्योर द प्रोड्यूसिंग ऑल रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली, एज नो अदर अपॉर्चुनिटी विल बी प्रोवाइडेड टू एनी अदर कैंडिडेट टू प्रोड्यूसिंग एनी रिलेवेंट सर्टिफिकेट अदर देन द शेड्यूल डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले पहले आपके पास में जो आपके कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके हाथ में होने चाहिए, मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। आपको किसी प्रकार का कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जरूर कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीटली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आप सभी तैयार रहे, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, एक दो दिन में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हम एक बार फिर से आपको बता देंगे। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, If any candidates produce fact documents in term of academic qualification certificate for claiming additional 5 marks on account of the said 6 months BPCCSN course or integrated MLSP course or claiming reservation benefits etc. will be barred from the future exams of NHM and Health Department Haryana and even क्रिमिनल एक्शन में आल्सो टेकन अगेंस्ट सच कैंडिडेट। जो भी कैंडिडेट्स यानी फैक्ट डॉक्यूमेंट्स बना के लेके जाता है, चाहे वो आपका BPCCSN सर्टिफिकेट का हो, चाहे फिर आपकी जो ओरिजिनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स है उनमें कोई आपने अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए या फिर आप फर्जी डॉक्यूमेंट्स आप दिखाते हैं, तो आप कभी भी NHM हरियाणा की एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, और साथ ही साथ आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स, जिस भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स फॉल्स पाए जाते हैं, फेक पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, फेक डॉक्यूमेंट्स से बचें और अपने आप को भी बचाएं। ओके, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आगे देखिए, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन फॉर ऑफ ऑल कंसर्न्ड। ये जो भी कैंडिडेट्स हैं चूँकि एग्जाम देखे हैं, वो सभी इस इन्फॉर्मेशन को सीरियसली ले और अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर ले। बहुत जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और इस वीडियो की लिंक अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दे जिन्होंने हरियाणा CHO का एग्जाम दिया है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।